Yes, this story begins with the 1774. आपने सबसे पहले year हर्षित बेदी stand up. आपने बच्चे सबसे पहले year बताना है 1774. Why this year is important? Wait, wait. Only Harshit Bedi will give the answer. Hanji. Sit down. Because in this year, Louis XVI, he became the king of France. He ascended the throne. 1774 में Louis XVI के king बनने के बाद, ठीक है? The treasury of France was empty. मतलब ये नहीं है कि source था, finance था, ठीक है? Empty का मतलब क्या है कि लोगों के लिए money नहीं थी. बच्चे आवाज बिल्कुल नहीं आई. लोगों के लिए मनी क्यों नहीं थी? बिकॉज इससे पहले लुई 16 और उसकी फैमिली जो थी वो किनके साथ वॉर में बिजी थे? विद द देवर हेल्पिंग अमेरिका. क्योंकि अमेरिका की 13 कॉलोनीज जो थी वो किसके अंडर थी? ब्रिटेन. तो अब मैं आपसे ये पूछूं कि विच कंट्री वॉज द कॉमन एनिमी ऑफ अमेरिका एंड फ्रांस? ब्रिटेन. ठीक है. So, France was helping America in gaining का मतलब होता है independence from the Britain. So, at that time expenditure was incurred on the defense. और defense expenditure में जब इतना ज्यादा money waste किया गया तो France के लोगों के लिए जो है वो source of income जो है वो नहीं था. That's why people they started hating monarchy system. उनको ये लगा कि जो king है उनके लिए नहीं है बल्कि neighboring countries की help कर रहे हैं. एंड फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है 1789. क्यों इस टाइम पीरियड को इमीडिएट कॉज कहते हैं? बच्चे सबसे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको इस चैप्टर के कॉजेस करवाए थे. वी हैव डिस्कस मैनी कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, सोशल कॉजेस, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेस, देन रोल ऑफ फिलोसोफर्स एंड सबसिस्टेंस क्राइसिस. अब कोई भी क्वेश्चन आपको इन कॉजेस से आ सकता है. लाइक अगर बात करें पॉलिटिकल कॉजेज में आपको याद रखना है कि किंग लुई 16 ही बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस इन 1774. ठीक है. एंड जब उसकी मैरिज हुई क्वीन एंटोनियो तब उसकी एज कितनी थी? ओनली 20 ईयर्स. उसको किसी भी तरह से पॉलिटिक्स का या एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं था. एक्स्ट्रा वैगेंसी का मतलब होता है किंग और उसकी जो फैमिली थी उनका लेविश लाइफ स्टाइल, उनके पैलेसेस, उनके सर्वेंट्स की सैलरीज, उनका जो भी रॉयल जो खर्चा था. जैसे आज के टाइम में अगर लंदन में बकिंगम पैलेस आप देखो तो क्वीन का जो लेविश स्टाइल है, आगे उनकी फैमिली का लेविश स्टाइल है, तो ये सारा जो है दैट इज पेड बाय गवर्नमेंट पे करती है उनको. ठीक है. तो इसी तरह से उस टाइम पीरियड में भी लुई 16 जो है उनकी फैमिली लेविश जो है वो लाइफ स्टाइल जी रही थी. लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा सेक्शन था पुअर पीपल, दे वर bearing heavy burden of taxation system. तो ये हो गया political cause. Second में फिर हमने बताना है economic cause. Economic cause में हम बताएंगे whole of the land of country was divided unequally. Unequally का मतलब क्या होता है? देखा जाए तो population की बात की जाए तो more than 90% population consists of third estate and 10% population consists of first and second estate. बट द लैंड, अगर लैंड की बात की जाए तो पूरी कंट्री की 60% से भी ज्यादा लैंड जो थी दैट वॉज एक्वायर्ड बाय फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट एंड मैनी पीपल दे वर लैंडलेस. और थर्ड एस्टेट के जो लोग लैंडलेस थे दे वर वर्किंग ऑन द फील्ड्स ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट एस्टेट. यानी कि उस टाइम पर में बड़े बड़े मैनर्स का मतलब क्या होता है? रिच लैंडलॉर्ड्स, वो उनके अंडर काम करते थे. एंड समटाइम्स दे वर नॉट गिवन सैलरीज ऑल्सो. वो उनके घरों में रहते थे, काम भी करते थे, सैलरीज भी नहीं मिलती थी और ऊपर से जो किंग की पॉलिसीज थी वो भी उनके लिए फेवरेबल नहीं थी. उनको टैक्स पे करना पड़ता था. विच काइंड ऑफ टैक्स? फिर आपने बताने टू टाइप्स ऑफ टैक्स वर टाइद, TITHE एंड टाइल. टाइद वॉज रिलीजियस टैक्स. रिलीजियस टैक्स का मतलब क्या होता है? पूरी इनकम जो भी उनको 6 मंथ्स के बाद या 1 ईयर की इनकम होती थी दैट इनकम वॉज डिवाइडेड विद 1/10 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस. जो भी इनको इनकम होती थी उसका 1/10 उनको रिलीजन के लिए चर्च को देना पड़ता था.
क्या हमारी कंट्री में कोई ऐसा सिस्टम है कि हमें रिलीजन के लिए देना ही पड़े? हम देते हैं, दान देते हैं, वो हमारी मर्जी से, लेकिन उनकी कंट्री में ये कंपल्सरी था टू गिव पेमेंट टू चर्च 1/10, इसको बोलते थे टाइथ। एक और टैक्स देना पड़ता था टाइल TAILE, ये होता था डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स। सपोज मेरी जितनी भी इनकम है या आपके पेरेंट्स की जितनी भी इनकम है, वो इनकम टैक्स पे करते हैं। टोटल इनकम जितने भी होते हैं टैक्स पे करते हैं। टैक्स किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को। जब हम टैक्स पे करते हैं ना, तो गवर्नमेंट हमें कुछ फैसिलिटीज देती है। टैक्स इसलिए पे किया जाता है ताकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू हो और गवर्नमेंट उस रेवेन्यू को आपके लिए यूज करे, बाय मेकिंग रोड्स, बाय कंस्ट्रक्टिंग रिवर्स, कैनल्स, बाय मेकिंग एम्बार्कमेंट्स, बाय मेकिंग ब्रिजेस, फ्लाईओवर, सुपर हाईवेज। ठीक है, तो ये सारा आपके लिए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जिसकी हम बात करते हैं, तो गवर्नमेंट आपके लिए खर्च करी, वो तभी होगा जब लोग टैक्स पे करेंगे। लेकिन टैक्स क्या होना चाहिए? इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, बट एट दैट टाइम इट वॉज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। डायरेक्ट टैक्स सिर्फ किनको देना पड़ता था? थर्ड एस्टेट। क्या सेकेंड एस्टेट को इनकम नहीं होती थी? होती थी, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, लेकिन वो क्या थे? देवर गिवन प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है उनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। इसका मतलब क्या है? वो सेकंड एस्टेट, फर्स्ट एस्टेट का मतलब होता है क्लर्जी, जो चर्च पीपल थे, चर्च में वर्शिप करते थे, फादर या जो भी चर्च से रिलेटेड जो भी उनके रिचुअल्स होते थे। उनकी फैमिली में उनके जो बेटे हैं, वो जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, वो नोबल्स नहीं बन सकते, वो मिनिस्टर नहीं बन सकते, वो सिर्फ क्या बनेंगे आगे? क्लर्जी। सेकेंड एस्टेट में जो नोबल्स हैं, नोबल्स के जो बच्चे हैं, वो अगर इंटेलिजेंट नहीं भी हैं, वो मिनिस्टर ही बनेंगे, ना वो चर्च पीपल बन सकते हैं, ना वो बिजनेस कर सकते हैं। बिकॉज एट दैट टाइम दिस वॉज द रूल कि जो एस्टेट सिस्टम है उसको स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो किया जाता। क्लियर? एंड थर्ड एस्टेट में दोनों ही तरह के ग्रुप थे, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, आर्टिसंस जो हाथ का काम करते थे, पुअर पीपल, डॉकयार्ड वर्कर्स, फार्मर्स या लैंडलेस पीपल। इट मीन्स थर्ड एस्टेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द मिडिल ग्रुप्स। मिडिल इनकम का मतलब क्या होता है? जिनकी इनकम जो है वो सेकेंड एस्टेट की तरह नहीं है, वो रिच लैंडलॉर्ड्स नहीं है और ना बहुत पुअर हैं। हर तरह का ग्रुप था, उसमें मिडिल भी था और लोअर सेक्शंस भी थे। अब राइट्स के लिए फाइट किसने किया थर्ड एस्टेट में? मिडिल क्लास। व्हाई? बिकॉज दे वांटेड टू कम फॉरवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मेरिट का मतलब क्या है? वो इंटेलिजेंस के बेसिस के ऊपर आगे आना चाहते थे, वो भी नोबिलिटी का पार्ट बनना चाहते थे, वो भी लेजिस्लेशन का पार्ट बनना चाहते थे, लॉ मेकिंग का पार्ट बनना चाहते थे। बट दे वर नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ राइट्स, उनके पास कोई राइट्स ही नहीं थे। दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम। अब आ जाओ सोसाइटी, सोशल कंडीशन। सपोज अगर सोशल कंडीशन है तो इसमें भी कितने वन मार्क क्वेश्चन बनते हैं। इनटू हाउ मेनी पार्ट्स स्टेट सिस्टम वॉज डिवाइडेड? थ्री पार्ट्स। फर्स्ट स्टेट, हमेशा याद रखना, जैसे हमारी कई बच्चे ना इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे हमारी कंट्री में किंग हमेशा उनका एक, जिसे हम कहते हैं ना कि उनके एक राजगुरु जरूर होते थे। किंग अपनी जो भी डिसीजन होते थे या कुछ भी पॉलिसीज होते थे, वो अपने गुरु, जो रिलीजियस गुरु हैं, उनसे जो है डिस्कस करते थे। तो उनकी जो पोस्ट है वो हमेशा अपर यानी कि हाई रखी जाती थी। ऐसे ही आप एस्टेट सिस्टम को याद रखो, फर्स्ट एस्टेट का मतलब है क्लर्जी मैन को फर्स्ट रैंक दिया गया रिलीजियस, यानी कि किंग उस टाइम पीरियड में किंग जज भी होता था, किंग ही एग्जीक्यूटिव था, किंग ही लेजिस्लेटिव था, किंग ही जुडिशियल। और उस टाइम पीरियड में किंग अगर किसी को पनिशमेंट, रिलीजियस पनिशमेंट, वो हमेशा चर्च मैन या क्लर्जी मैन से पूछ कर ही दी जाती थी। इट मीन्स कहीं ना कहीं चर्च की क्या थी? इंटरफेरेंस, जिसको वॉल्टेयर ने क्या किया था? अपोज किया था कि जुडिशियल जो है, जुडिशियल जो भी एक्टिविटीज हैं उसमें किसी भी तरह से जो चर्च की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। सोशल कंडीशन में फिर आपने बताना है सेकंड एस्टेट किसकी थी? लैंडलॉर्ड्स, जो नोबल्स जिनको मिनिस्टर्स कहा जाता था, एंड किंग और उसकी फैमिली। थर्ड एस्टेट मैंने आपको अभी बताया, सोसाइटी ऐसी थी। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी? एट दैट टाइम प्रिविलेजेस वर गिवन। थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट जो था, उसका ट्रेंड था। थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट क्या कहती है? कि किंग का बेटा जैसा भी है वो किंग ही बने, चाहे वो कैपेबल है चाहे वो कैपेबल नहीं, और अगर वो कॉवर्ड भी है, डरपोक है, ब्रेव नहीं भी है, तो भी वो किंग ही बनेगा। और वो उसको ये किंग का स्टेटस किसने दिया है? गॉड ने। क्योंकि उसकी फैमिली को ये राइट किसने दिया है? गॉड ने। क्योंकि उसका बर्थ ही कहाँ पे हुआ है? किंग की फैमिली में हुआ। तो उस टाइम पीरियड में थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट का मतलब है कि किंग की फैमिली को एक इंपॉर्टेंट स्टेटस दिया जाता, चाहे वो कैपेबल है चाहे वो कैपेबल नहीं।
इलेक्शंस नहीं थे, नो वोटिंग राइट्स वर गिवन टू पीपल, नो पॉलिटिकल पार्टीज वर देयर, नो पार्लियामेंट, नो कॉन्स्टिट्यूशन, ईच एंड एवरीथिंग वॉज कंट्रोल्ड बाय मोनार्क एंड दैट्स व्हाई दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड मोनार्की सिस्टम. क्लियर? तो ये सारा सोसाइटी का. फिर आ जाओ रोल ऑफ फिलोसफर्स. जब सोसाइटी में ये प्रॉब्लम थी तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फ्रांस में ही नहीं बल्कि यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सी बुक्स लिखी गई एंड मेनी बुक्स वर रेड बाय द पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट आल्सो. ठीक है, मिडिल क्लास. मिडिल क्लास का मतलब है ऐसा ग्रुप जो बहुत गरीब भी नहीं थे, बहुत रिच भी नहीं थे, बल्कि वो आगे आना चाहते थे, नॉबल्स बनना चाहते थे, किंग के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते थे मेरिट के बेसिस के ऊपर, ट्रेडिंग करने के लिए फ्रीडम चाहते थे, दे वॉन्टेड फ्रीडम टू ट्रेड, वो बिजनेस की फ्रीडम चाहते थे ताकि उनको हर चीज के लिए किंग से परमिशन ना लेनी पड़े. सो एट दैट टाइम मैनी फिलोसफर्स दे रोट डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स. अब आपने बुक्स का नेम और उनकी आइडियोलॉजी वो आपने याद रखनी है. ठीक है, जॉन लॉक, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, मॉन्टेस्क्यू, स्पिरिट ऑफ लॉ. ठीक है, रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, जॉन लॉक ने क्या किया? जॉन लॉक की जस्ट एक आइडियोलॉजी याद रखो, ही अपोज थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स. मॉन्टेस्क्यू, ही suggested that power should be divided into three parts, legislature, executive and judiciary, जिस सिस्टम को आज हम फॉलो कर रहे हैं हमारी कंट्री में. देन रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, रूसो ने क्या कहा कि जो गवर्नमेंट होती है दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव. यानी कि अगर ये रिप्रेजेंटेटिव 5 years के लिए लोगों को वेलफेयर नहीं प्रोवाइड करेंगे देन पीपल शुड चेंज द गवर्नमेंट. इसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट 1 year के लिए भी होता है. सपोज आप किसी पर्सन को रेंट पे हाउस देते हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में लास्ट डेट आ गई उस पर्सन को घर क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा. अगर वो नहीं करेगा तो आप क्या करोगे? कोर्ट केस कर सकते हो. अगर वो कहता है कि मैं इसको ऑक्यूपाई करूंगा, वो अलग बात है कि आपको कोर्ट केस करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपके पास ये पावर है कि आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद आप उसको चैलेंज कर सकते हो. हाँ, ये भी उसके पास पावर है कि जब तक उसका लॉक लगा है आप उसका घर उसको कैप्चर नहीं कर सकते. बाद में वो आपके ऊपर एलिगेशन लगा सकता है कि हमने तो लॉक लगाया था, हमारा ये सामान था, वो उन्होंने ले लिया. तो लॉ जो है वो आगे से आगे बहुत से लॉज बने हुए हैं, हर तरफ से प्रोटेक्शन है, लेकिन हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इस सेंस में हमने बात करनी है. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दैट गवर्नमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स. 5 years के बाद ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर नए चुने जाएंगे, MPs नए चुने जाएंगे, MLAs नए चुने जाएंगे, CM नया चुना जाएगा, लेकिन कौन कौन नहीं चुने जाएंगे? जजेस, जजेस नहीं चुने जाते हैं, और यस जजेस नहीं चुने जाते हैं, वो तो उनकी टर्म जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी टर्म कितनी है? 65 years. हाई कोर्ट के जज 62 years. हमारी कंट्री में जुडिशरी के इलेक्शन नहीं होते, लेकिन फ्रांस में जो नया सिस्टम आया इस सिस्टम में जुडिशरी के भी इलेक्शन करवाए थे. So this was all about this causes of French Revolution. अब बच्चे जैसे आपने 8th में पढ़ा था ना, immediate cause क्या थे 1857 के revolt के? What was the immediate cause of revolt of 1857? Greased cartridges. ऐसे ही जब आप French Revolution में immediate cause पढ़ते हो तो इसका immediate cause क्या था? Subsistence crisis. सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जब आपको बेसिक थिंग्स, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, वो भी नहीं मिलता. तो 1789 की कंडीशन जो थी इकोनॉमी की, ऐसी कंडीशन थी व्हेन पीपल, सम ऑफ द पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट, दे वर नॉट गेटिंग फूड, दे वर डाइंग ऑफ स्टार्वेशन. ठीक है, शेल्टर उनके पास लैंडलेस का मतलब है एग्रीकल्चर के लिए किसी भी तरह से प्रोविजन नहीं थी. क्लोथिंग उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि खाने के लिए, तो क्या कि वो क्लोथिंग के लिए भी, ठीक है, जो है वो खर्च कर सके. एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? बर्डन ऑफ टैक्स. जब लोगों को खाना नहीं मिल रहा तो वो टैक्स कहां से पे करेंगे? एंड एट दैट टाइम मैनी पीपल दे अटैक्ड ऑन उससे पहले मैनी पीपल दे अटैक्ड ऑन ब्रेड शॉप्स, जहां पे क्योंकि ब्रेड वहां की स्टेपल डाइट होती है. ठीक है, एंड मेनी पीपल दे अटैक्ड ऑन द हाउसेस ऑफ लैंडलॉर्ड्स. लेकिन तब भी नहीं हुआ तो लोगों ने, किंग ने क्या किया, अरेस्ट कर लिया बहुत से लोगों को एंड दे वर कैप्चर्ड इन द पैलेस ऑफ बेस्टर.
14 जुलाई 1789 एक ऐसा दिन था जिस दिन लोगों ने अपनी एक मिलिट्री बनाई और लोगों ने अपनी पावर दिखाई और बेस्टाइल फोर्ट जो है उसको क्या कर दिया, डिमोलिश। और आज भी फ्रांस में म्यूजियम्स में उस बेस्टाइल फोर्ट के जो रिमेन्स हैं उनको दिखाने के लिए रखा गया कि ये होता है मोनार्की का अंजाम। जब कंट्री में किंग जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज नहीं बनाता तो लोग अगर अटैक करते हैं तो उनके जो रिमेन्स हैं उनकी पेंटिंग्स या जो जो भी वहां पे जो भी कुछ मिला, सॉवरेंस, सॉवरेंस का मतलब होता है उनको संभाल के रखा गया है म्यूजियम्स में आगे जनरेशन को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये था सबसिस्टेंस क्राइसिस इमीडिएट कॉज, दीज वर द कॉजेस। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एस्टेट जर्नल, एस्टेट जर्नल मीटिंग, इसमें हम वन मार्क एमसीक्यूज क्वेश्चन क्या होते हैं, व्हाट इज अ स्टेट जर्नल, अ स्टेट जर्नल क्या होती है, क्या थी, पॉलिटिकल बॉडी भी कह सकते हैं, पार्लियामेंट कह लो, काइंड ऑफ पॉलिटिकल बॉडी। अब पार्लियामेंट क्यों नहीं, क्योंकि एक डमी, डमी का मतलब क्या है कि ये सिर्फ डमी मीटिंग होती थी और जो भी डिसीजन होते थे दीज वर टेकन बाय द किंग। तो अब प्रॉब्लम आई, अब मैं आपको बेस्टाइल से पहले का बताती हूं, मैंने आपको ये तो बता दिया कि अटैक हुआ, लेकिन हम अटैक से इमीडिएट पहले हमने पढ़ना है मीटिंग ऑफ एस्टेट जर्नल। इस मीटिंग का मेन मोटिव क्या था, किंग को मनी चाहिए एंड सो दैट्स व्हाई ही कॉल्ड असेंबली ऑफ एस्टेट जर्नल। एस्टेट जर्नल का मतलब क्या, रिप्रेजेंटेटिव, कितने रिप्रेजेंटेटिव किंग ने डिसाइड किए, हाउ मेनी, 300 फ्रॉम फर्स्ट, 300 फ्रॉम सेकेंड एंड 600 फ्रॉम थर्ड। इनिशियली पीपल ऑफ थर्ड स्टेट दे बिकेम वेरी हैप्पी कि उनको किंग ने बुलाया है एंड उनको ये लगा कि किंग अब उनकी जो डिमांड्स हैं, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं या जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व किया जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर में वोटिंग सिस्टम क्या था, यस, ईच स्टेट हैड वन वोट। इसका मतलब देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट 2:1, तो हमेशा मेजोरिटी किसकी होती थी, किसकी होती थी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट। तो 600 जो लोग थे जब ये पैलेस ऑफ वर्साय में आए, इनके पास टोटल कितने लेटर्स थे, 40,000 लेटर्स, और उसमें क्या लिखा गया था, प्रॉब्लम्स, ग्रीवांसेस। सपोज आप ये कहोगे हाँ जी आप में से एक पर्सन जो है वो सिर्फ जाएगा, बाकी लोग कहेंगे मेरी भी प्रॉब्लम है, मेरी भी प्रॉब्लम लेकर जाओ, मेरी भी ये प्रॉब्लम है। तो इनको लगा कि शायद ये असेंबली बहुत लॉन्ग यानी कि बहुत ज्यादा जो है डिस्कशन होगी, तो ये एप्लीकेशंस काइंड ऑफ जिसे हम कहते हैं रिक्वेस्ट वो लेकर गए अपने साथ। इनको लगा कि शायद किंग इनकी डिमांड्स को सुनेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही पैलेस में एंटर किया, दीज वर प्रोवाइडेड चेयर्स, सेकेंड स्टेट वर प्रोवाइडेड चेयर्स, दे हैड टू स्टैंड बैक, दे वर नॉट प्रोवाइडेड चेयर्स, दिस वॉज अ बिग इंसल्ट ऑफ थर्ड स्टेट। सेकेंड क्या था, वोटिंग क्राइटेरिया वॉज अनजस्ट। क्यों अनजस्ट था, क्योंकि थर्ड स्टेट को पता था कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट आपस में उनकी वोटिंग जो है वो सेम होगी। नाउ दिस टाइम दे डिमांडेड टू चेंज वोटिंग सिस्टम, क्या चाहते थे, ईच पर्सन शुड बी गिवन वन वोट, ईच पर्सन दिया जाएगा तो 300 + 300 + 600, 1:1 का मतलब होता है कि अगर ये मिल भी गए तो इनकी यानी कि वोटिंग होगी और उस वोटिंग में मेजोरिटी प्रूव ही नहीं होगी, और इस तरह से इनको भी क्या मिलेगी, वेटेज। लेकिन किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल टू चेंज द वोटिंग क्राइटेरिया, देन दीज पीपल केम आउट फ्रॉम द नेशनल एंड सॉरी केम आउट फ्रॉम द पैलेस ऑफ वर्साय, बाहर आ गए। एंड डेट वॉज डिसाइडेड, मीटिंग हुई थी 5 मई 1789, बेस्टाइल को स्टॉर्म किया 14 जुलाई। अब ये सारा जो है वो कब से लेकर कब तक हुआ, मई जून एंड जुलाई, मई में मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद जब ये बाहर आ गए 5 मई को, तो काफी दिन उन्होंने आपस में डिस्कशन की। पैलेस ऑफ वर्साय के बाहर टेनिस कोर्ट में बैठते थे एंड वन डे वॉज डिसाइडेड व्हेन ऑल द पीपल दे केम एंड दे टुक ऑथ ऑन विच डेट, 20 जून 1789, दिस इज कॉल्ड एज टेनिस कोर्ट ऑथ। इसको क्या बोलते हैं, टेनिस कोर्ट ऑथ। ऑथ का मतलब है कि इन्होंने क्या ऑथ लिया, दैट दे विल नॉट डिस्पर्स
डिस्पर्स का मतलब तब तक वहां से नहीं जाएंगे जब तक वो कंट्री का क्या नहीं बना लेते, कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इस नेश इसको क्या उन्होंने क्या स्टेटस दिया, नेशनल असेंबली। दिस वॉज लीगल और इनलीगल? इलीगल, क्योंकि किंग ने इसको लीगल रिकॉग्निशन नहीं दी थी। और इसके बाद इनके दो लीडर्स के नेम आपने याद रखने हैं, मिराबियू एंड एबेसिए। एबेसिए ने एक पैम्फलेट लिखा था, नो डाउट मिराबियू एंड एबेसिए दे वर नॉट फ्रॉम थर्ड एस्टेट, लेकिन इनके माइंड में थर्ड एस्टेट लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, सो दैट्स व्हाई दे रोट मेनी बुक्स एंड पैम्फलेट्स। व्हाट इज द थर्ड एस्टेट रिटन बाय एबेसिए एंड मिराबियू? मिराबियू भी जो है वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, मिनिस्टर फैमिली से थे, बट ही स्टिल सपोर्टेड दीज पीपल। एंड इस तरह से 20 जून के बाद ये लोग नेशनल असेंबली बिजी हो गई क्या बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सिटी में तो ये प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन विलेज एरियाज में क्या हो रहा था, फार्मर्स सब्सिस्टेंस क्राइसिस, यानी कि ये प्रॉब्लम फार्मर्स को फेस जो है वो करनी पड़ी। लैंडलेस पीपल जो थे उनको ना वेजेस मिल रहे थे, ऊपर से इनको टॉर्चर किया जा रहा था, फ्यूडल सिस्टम था जिसके कारण टैक्स वो नहीं दे पा रहे थे। और ऐसे में विलेज एज वेल एज सिटीज, बड़े बड़े जो स्टोर हाउसेस थे उनको अटैक किया गया। चैटक्स कहते हैं, चैटक्स क्या होते हैं, बड़े बड़े स्टोर हाउसेस होते हैं। मैनर्स क्या होते हैं, लैंडलॉर्ड्स जो हैं उनके बड़े बड़े बिग मैंशंस, ठीक है, उनके ऊपर अटैक किया गया। एंड 14 जुलाई 1789, अब ये देखो 20 जून से 14 जुलाई, तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो था वो फ्रांस में बहुत से अपहीवल्स हुए, अटैक किए गए, लोगों के ऊपर भी अटैक हुए। मैनी पीपल दे डाइड ऑफ थर्ड, दे वर किल्ड ऑफ थर्ड एस्टेट आल्सो। बाद में इनको क्या बना दिया, मार्टियर्स। मार्टियर्स का मतलब जो अपनी कंट्री के लिए क्या करते हैं, सेक्रीफाइस, ठीक है। देन 14 जुलाई 1789 बेस्टाइल फोर्ट वॉज स्टॉर्म एंड दिस वॉज शॉकिंग न्यूज फॉर किंग। पहली बार किसी मोनार्की सिस्टम में ऐसा हुआ था जब लोगों ने अपने ही किंग के अगेंस्ट जाकर, या फ्रांस में अपने ही किंग के अगेंस्ट जाकर लोगों ने ऐसा किया, क्योंकि इससे पहले लोगों को इस चीज के लिए दबाया गया था कि किंग ही गॉड होता है, ठीक है, गॉड और किंग बराबर होते, और किंग का कहा गया हर वर्ड जो है वो गॉड का वर्ड होता। लेकिन ये एक ऐसा जिसे हम कहते हैं स्टेप था जिससे कि मोनार्की सिस्टम को हिला दिया। लुई 16 जो था ही गॉट स्केयर्ड, उसको डर लगा कि आगे कहीं पैलेस ऑफ वर्साई की टर्न ना आ जाए, तो फिर उसने क्या किया, ही गेव लीगल रिकॉग्निशन टू नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। अब इसके बाद असेंबली जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी हो गई। लेकिन जुलाई के बाद अगस्त, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है, 4 अगस्त, यानी कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाए इससे पहले पीपल दे वॉन्टेड सम चेंजेस। कौन कौन से चेंजेस किए, बाय पासिंग ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं, डेक्री। डेक्री का मतलब होता है ऑर्डर। किंग ने ऑर्डर जो है पास किया और इसको नेशनल असेंबली ने भी अप्रूव किया। क्या ऑर्डर पास किया, एस्टेट सिस्टम एबॉलिश कर दिया, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, प्रॉपर्टी ऑफ चर्च वॉज टेकन बैक, अनलिमिटेड प्रॉपर्टी जो है वो चर्च से ली गई। उस टाइम पीरियड में करेंसी कौन सी थी, लिब्रे, ठीक है। अब खुद सोचो कि किंग ने एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी क्योंकि वो टैक्स बढ़ाना चाहता था, लेकिन जब चर्च से प्रॉपर्टी ली गई तो कितनी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास होगी, कितना ही लिब्रे जो है वो गवर्नमेंट के पास कलेक्ट किया गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो था, प्रिविलेजेस गिवन बाय बर्थ दे वर अबॉलिश्ड, उनको खत्म कर दिया। अब 2 ईयर्स के लिए जो चेंजेस थे, ये चेंजेस जो नए नए चेंजेस आए, पीपल बिकेम वेरी हैप्पी क्योंकि अब उनके पास जो है वो एक ऐसा जिसे हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज थी कि अब स्टेट सिस्टम को खत्म कर दिया था। मिडिल क्लास दे बिकेम वेरी हैप्पी। इन बिटवीन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 4 अगस्त से लेकर 1789 से लेकर 1791 नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। कितना लंबा टाइम लगा असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, 2 ईयर्स। और 1791 में जब असेंबली ने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, According to this new constitution, some points were positive and some points were negative. Positive points kya the? That this assembly gave voting rights, yani ki logon ko kya mile? Voting rights. ठीक है, पॉजिटिव की बात करें, वोटिंग राइट्स मिले, लेकिन किनको? Only to active. अभी active कौन थे?
फ्रांस में जितने भी मेल जिनकी एज 25 ईयर से अबव थी और जो क्या पे करते थे टैक्स, तो ये कौन हुए? रिच पीपल। इसका मतलब अभी भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसको फेवर कर रहा था? रिच एज वेल एज मैन। क्या ये फेवरेबल था? नो, दैट वाज अ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो अगर पैसिव की बात की जाए तो किसको पैसिव कर दिया? विमेन एंड मेल बिलो 25 और जो टैक्स पे नहीं करते थे एंड चिल्ड्रन। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने विमेन जो है उनको पैसिव, पैसिव का मतलब जिनका कोई रोल नहीं, ठीक है। सेकंड, एक्टिव सिटीजन जो है ये आगे इनडायरेक्ट वोट करेंगे एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। उनको क्या कहा जाता था जिनको ये इलेक्ट करेंगे? इलेक्टर्स। इसका मतलब जो है एक्टिव सिटीजन हो गए रिच पीपल, तो इलेक्टर्स उनसे ज्यादा रिच जो और ज्यादा टैक्स पे करते। इलेक्टर बनने के लिए भी पर्सन को एक कंडीशन पास करनी पड़ती थी और अपनी टैक्स लिमिट बतानी पड़ती। तो इसका मतलब है इलेक्टर्स भी कौन होंगे? हाईएस्ट टैक्स पेयर्स, हाईएस्ट टैक्स पेयर्स। तो इलेक्टर कोई भी हो सकता था, चाहे वो फर्स्ट एस्टेट हो, चाहे वो सेकंड एस्टेट हो, चाहे वो थर्ड एस्टेट। एक्टिव भी कोई भी हो सकता था, चाहे फर्स्ट, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड। अब ये इलेक्टर्स आगे किसको वोट करते करेंगे? मेंबर्स, मतलब मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। सबसे पहले 1791 में जब फ्रांस में इलेक्शंस करवाए गए, टोटल कितने मेंबर्स? 745 मेंबर्स जो हैं वो बने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। इस तरह से अब कंट्री में, कंट्री को लेजिस्लेचर भी मिल गया, एग्जीक्यूटिव भी मिल गया, एंड नाउ पीपल दे कुड आल्सो वोट फॉर जजेस। लोग जजेस को भी वोट कर सकते थे। कैसे? अब लेजिस्लेचर में कौन आया? नेशनल असेंबली। एग्जीक्यूटिव की बात करें, जो मॉन्टेस्क्यू ने कहा था, कौन आएंगे? किंग एंड नोबल्स, मिनिस्टर्स। और जुडिशरी, यानी कि अब जुडिशियल सिस्टम को अलग कर दिया, जज अलग होगा, एंड दीज वर इलेक्टेड बाय इलेक्टर्स। नाउ पावर्स ऑफ किंग वर डिवाइडेड। व्हाट वाज द एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? टू डिवाइड powers of king. But one more question, what was the aim of constitution? To divide, to limit, to divide या to limit the powers of king. अब king की powers को divide तो कर दिया, लेकिन king को एक special power दी गई, veto. Veto का मतलब क्या होता है? क्योंकि वो king है। Country में कई बार क्या होता है, अगर majority system में कोई national assembly जो है 745 members majority से कोई bill pass नहीं कर सकते, एट दैट टाइम किंग को पावर दी गई। कौन सी पावर? वीटो। दूसरी तरफ किंग जो है, यानी कि ये मेंबर्स इसको भी कंट्रोल करेंगे और ये इसको भी कंट्रोल करेंगे। चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है कि ना किंग डिक्टेटर बन सकता है, ना ये डिक्टेटर बन सकते हैं, दोनों एक दूसरे की पावर्स को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और इस तरह से जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था, अल्टीमेटली सम पीपल वर not happy. अब हमने ये बताना है कि which group of the society was not happy with this new constitution. हर तरह के लोग। Number one, those who were declared passive citizens. कौन? Women and children and men below 25. Okay. Yes. तो why first and second people were not happy? Because now privileges given by birth were abolished. अब उनके जो पहले राइट, जो पहले उनका लाइफस्टाइल था, वो खत्म हो गया। नोबल्स का जो लाइफस्टाइल था, एस्टेट सिस्टम में चर्च का जो लाइफस्टाइल था, वो खत्म हो। सो दे वर नॉट हैप्पी विद दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरह से कहीं ना कहीं कंट्री में अलग अलग जो है वो ग्रुप्स बनने शुरू हो, ग्रुप्स बने, एंड सम पीपल इवन लोअर सेक्शन, जिनको 25 यानी कि मेल जो टैक्स पे नहीं करते थे, यानी कि लोअर सेक्शन। इसमें लोअर कास्ट वर्ड यूज नहीं करना। फॉरेन कंट्री में कहीं भी कास्ट सिस्टम नहीं है, वो सिर्फ हमारी कंट्री में कई बच्चे लोअर कास्ट लिख देते हैं, लोअर सेक्शन। लोअर सेक्शन में कौन आ गए? जो लोग मैनुअल हाथ का काम करते थे, लेबर क्लास, पुअर पीजेंट्स, डॉकयार्ड वर्कर्स,
जो उस टाइम पर मैं शिप में लोडिंग अनलोडिंग का काम करते थे, वॉच मेकर्स, शू मेकर्स, आर्टिसंस, फार्मर्स, पीजेंट्स, तो ये धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, किंग को अपोज करना शुरू कर दिया, बिकॉज किंग की पॉलिसीज जो थी दे वर नॉट हैप्पी। ठीक है, 1791 नाउ मेनी क्लब्स वर फॉर्म एंड दीज पीपल दे स्टार्टिंग अपोजिंग, क्योंकि अभी भी कंट्री में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, पहले क्या था, मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 70, अगर मैं आपसे ये पूछूं इन विच ईयर फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, 1791, क्योंकि अभी भी कंट्री में किंगशिप थी। ठीक है, सो मेनी क्लब्स वर फॉर्म, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लब सामने आया वो था जैकोबिन। अब जैकोबिन का नाम कहां से पड़ा, सेंट जैकब, जे ए सी ओ बी, जैकब बिल्डिंग। इस बिल्डिंग चर्च, चर्च में एक हॉल था, इस हॉल में जो भी लोग आपस में आकर मिलते थे किंग को अपोज करते थे, उनका लीडर मैक्सिमिनन रॉबिनसन, कॉमन मैन, एक कॉमन मैन, देखो कैसे उसने किंग को रिप्लेस किया। और लोग, हम ये कह सकते हैं कि कई बार कॉमन मैन के पास बहुत पावर होती है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल, पावरफुल का मतलब क्या होता है कि मनी नहीं था उसके पास, उसकी स्पीकिंग एबिलिटीज और उसकी लीडरशिप क्वालिटीज इतनी थी कि लोग जो थे लोअर सेक्शन के लोग उसको अपना लीडर मानते। एंड इन दिस वे जैकोबिन क्लब बिकेम द फेमस क्लब ऑफ द फ्रांस। अब जो भी इनकी एक्टिविटीज थी ना, ये लीगल एक्टिविटीज थी, लीगल नहीं थी, इलीगल थी। इलीगल का मतलब क्या है कि उस टाइम पीरियड में राइट टू क्रिटिसिज्म नहीं था, बट स्टिल दे वर डूइंग, दे वर अपोजिंग किंग। ओके, टाइम इज ओवर, रेस्ट आई विल डिस्कस टुमारो। ठीक है।